हेलो फ्रेंड्स, घर के स्वाद चैनल से मैं एक बार आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी केक, और वो भी फ्रेंड्स पार्ले जी बिस्किट से। हाँ फ्रेंड्स, पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी केक बनती है, और वो मैं आपको कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। ये देखिए, मैंने पार्ले जी के 4 बिस्किट लिए हैं, और ये 4 पैक है, और ये एक ओरियो का पैक लिया है मैंने। और देखिए यहाँ पे मैंने शक्कर ली है, पिसी हुई शक्कर है फ्रेंड्स, मिक्सी में पीस ली है, ये 6 चम्मच है। और ये 1 पाव के करीब मैंने दूध लिया है, बिल्कुल ठंडा दूध है फ्रेंड, ये नॉर्मल टेम्परेचर का भी ले सकते हैं और ठंडा भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है। अब ये जितने भी पार्ले जी के बिस्किट हैं फ्रेंड्स, इनको हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसका रैपर काटती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी केक बनती है फ्रेंड्स, और इतनी जल्दी बन जाती है, और बहुत ही फूलने वाली केक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप बताइएगा कि ये किस तरह आपको कैसी लगी। और ये देखिए, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे बिस्किट को मैं तोड़ लूँगी, और छोटे छोटे पीस में या तो हाथ से कर लीजिए फ्रेंड्स आप अपना, या एक कपड़े में बेलन रख के, सॉरी एक कपड़े में सारे बिस्किट रख के और किसी भारी चीज़ से इसको कूट लेते हैं। उससे भी हम इसको चूरा करना है कैसे भी, मतलब बिल्कुल पेस्ट टाइप का बनाना है। और चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, और बिल्कुल एक पाउडर बना लेना है हमको। तो ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट अपने ऑलमोस्ट खोल लिए हैं। ये लास्ट वाला है, इसको भी मैं खोल ले रही हूँ। ये देखिए, और इसमें शक्कर जो है फ्रेंड्स ऑप्शनल होती है, क्योंकि ग्लूकोज के बिस्किट जो होते हैं वो ऑलरेडी मीठे होते हैं। तो इसमें इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शक्कर भी डालें, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आपको थोड़ा मीठा, जैसे फ्रेंड्स लोग बाग खाते हैं, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, तो आप इसमें ये शक्कर भी मिला सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने सारे रैपर्स खोल लिए हैं। अब हम ये मिक्सी की जार में फ्रेंड्स छोटे छोटे पीस करके मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी, और फिर इसको पतला एक पाउडर टाइप का बना लूँगी। ये देखिए, इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के डालिएगा पीसेस में, ताकि क्या है कि जब मिक्सी चलेगी ना, तो इसके पीसेस जो हैं वो उछलेंगे नहीं, और क्या होगा मिक्सी में स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने पूरे बिस्किट को तोड़ लिया है। ये देखिए, ये एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, और वो उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज़ मुझे ये केक बनाना बताइए, कैसे बनाते हैं आप, कैसे बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ, आप सबके साथ में भी शेयर कर लूँगी, और उनको वो भी देख लेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है। तो ये देखिए, ये अब ये मेरी मिक्सी की जार जो है छोटी है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 बार में मैं इसको पीसूँगी 2 बार से। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये फुल हो गई है, थोड़ा सा स्पेस मैंने इसमें छोड़ दी है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगा के देखिए, ये मेरी पूरी बन गई है, बिल्कुल पाउडर बन गया है। ये देखिए, इस तरह से चूरा हमको करना है, बिल्कुल पाउडर बनाना है, क्योंकि अगर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर थोड़े भी पीसेस रह जाएंगे इसमें, तो जब हम इसको घोलेंगे और इसको पकाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे मुंह पे, वो मुंह के अंदर वो लम्ब्स टाइप के आ जाएंगे। तो बिल्कुल हमको इसको पाउडर बेस में करना है। अब ये मेरे बाकी बचे हुए बिस्किट्स को भी मैं इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, और इनको उसमें पीस लूँगी। फिर मैं देखिए ये बताती हूँ आगे मैं क्या करूँगी। ये देखिए, मैं फटाफट इसको तोड़ रही हूँ हाथ से। ये कॉलेज वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं और उनके पास मिक्सी नहीं होती है, तो फ्रेंड्स इस तरह से वो लोग आप मतलब तोड़ सकते हो आप लोग उसको, किसी भी जैसे मूसल होती है ना फ्रेंड्स, उसमें रख के तोड़ सकते हैं। ये कपड़े में बिस्किट डाल दीजिए, और फिर बेलन से उसको क्रश कर दीजिए तोड़ तोड़ के, और बिल्कुल चूरा बना लीजिए इसको। अगर थोड़े से, अगर हल्के से थोड़े मुलायम छोटे छोटे बहुत बारीक पीस रह जाते हैं, तो आप उसको फिर छन्नी से छान लीजिए। वैसे मैं यहाँ पे छान नहीं रही हूँ, लेकिन ये क्या होता है, जो पाउडर हम बना लेते हैं उसके बाद हमें इसको छन्नी से छान के, और बिल्कुल पाउडर बहुत ही पतला पेस्ट टाइप का पाउडर बना लेना चाहिए, ताकि जो ऊपर जो उसकी पीसेस होंगे बिस्किट के, उनको अलग करके आप फिर उसको ग्राइंड कर सकते हैं दोबारा। तो क्या ये हमारे जब हम फेंटेंगे इसको, तो ये उसके बीच में नहीं आएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया। अब मैं इसको फिर मिक्सी में एक सेकेंड राउंड में पीस लूँगी।
तो ये मैंने जार में इसमें डाल दे रही हूँ, ये देखिए, और हम इसको फटाफट से पीस लेते हैं। ये देखिए पूरी तरह से मैंने पूरा हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए पूरा चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा से पीस लेते हैं। और इस समय फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, जो मैंने ओरियो के बिस्किट रखे हैं ना, वो ओरियो के बिस्किट का पैकेट अगर आपके पास में कोको पाउडर हो तो आप उसकी 1.5 चम्मच डाल सकते हैं उसमें फ्लेवर के लिए। नहीं तो मैं कोई भी चॉकलेट का बिस्किट है ओरियो, मेरे पास ओरियो रखे थे तो मैंने ओरियो ले लिया, नहीं तो कोई भी चॉकलेट का बिस्किट का पैकेट आप लेके पूरा का पूरा पैक आप इसको ऐसे ही टुकड़े में बारीक टुकड़ों में करके इसमें डाल देंगे। अभी इस ओरियो के बीच में जो क्रीम रहती है फ्रेंड्स, तो वो मैंने इसको निकाल दी है और ये खाली मैंने बिस्किट इसको तोड़ के इसमें डालूंगी मैं, क्योंकि मैं जनरली जो है क्रीम को अवॉइड ही करती हूँ। आप चाहे तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए ये फटाफट पिस गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड राउंड जो होगा मिक्सी का, वो हम जो हमने ओरियो के बिस्किट रखे हैं वो हम इसमें डाल के पीस के इसमें मिला देंगे। ये देखिए ये जो बिस्किट है ना, मैं इसमें डाल दूँगी सारे, ये मैंने अलग कर दिए हैं, ये मैं नहीं लूँगी, और ये सारे बिस्किट को इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने अंदाज से अपने जितना हमने बिस्किट लिए उसके अंदाज से 1 चम्मच के करीब हमको इसमें 1 से 1.5 चम्मच कोको मिलाना है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप पूरे बिस्किट भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब हम इसको इसमें मिला दें। ये देखिए मेरा ये पाउडर हो गया कोको का, ये बिस्किट भी मैंने मिला के, और हमको अब इसमें मिलाना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक पाउडर बनाया फ्रेंड्स हमने, और ये मैंने मिला दिया है इसमें। आप अगर चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसको एक पूरा पैक डाल दीजिएगा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी चॉकलेट ही आता है इस केक के अंदर। तो देखिए आज मैं आपके सामने ये केक बना रही हूँ, अब देखें अब कैसी बनती है ये, आप लोग को पसंद आए आती है या नहीं आती है, ये तो केक बनने के बाद ही, और आप जब अपने बनाएंगे तब आप बताएंगे कि किस टाइप की बनी है ये। ये देखिए अब हम इसको पाउडरों को बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे, सारे जो चॉकलेट हमने डाली है उनको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक जगह लम्स रह जाएंगे तो एक जगह पे आपका बिस्किट ही बिस्किट आएंगे और दूसरी तरफ आपका चॉकलेट का फ्लेवर आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम ये क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शनल मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये मैंने शक्कर ली है, तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैंने ये 6 चम्मच इसमें पिसी हुई शक्कर डाल दी है। ये देखिए और इसको अच्छे से शक्कर को सब तरफ से हम मिला लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसिएगा फ्रेंड्स शक्कर, और आप चाहें तो इसको भी छन्नी में छान लीजिएगा, ताकि इसके शक्कर के जो मोटे दरदरे पीसेस रह जाते हैं वो फिर मुंह में आएंगे, शक्कर तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने सबको बारीक पीस लिया है, और आप चाहें तो इसको छन्नी में छान भी सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मैंने पूरा मिक्सअप कर लिया है। अब यह हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से सब मिक्स कर लिया है। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो करेंगे कि हमारा जो दूध है फ्रेंड, हमने जो 250 लीटर दूध लेके रखा है उसको गर्म दूध फ्रेंड बिल्कुल नहीं डालना है, हमको ठंडा दूध या नॉर्मल टेम्परेचर पे जो दूध रहता है उसको इसको इसके अंदर मिक्सअप करना है और थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए हम धीरे धीरे इसको मिलाएंगे, दूध को डालते जाएंगे और इसको एक मिलाते जाएंगे पूरी तरह से, सब कुछ बिस्किट को हमको घोलना है यहाँ पे। और अगर हम एकदम से डाल देंगे क्या हो जाएगा कि फिर हमारे वो लिक्विड जैसा बन जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमको मिलाना है इसको, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा हो गया तो फ्रेंड्स हम कम नहीं कर सकते हैं, उसको बैटर पूरा हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और अगर हमको लगेगा तो अगर हमको 250 ml से भी ज़्यादा लगता है तो फिर हम थोड़ा सा दूध और बाद में मिलाएंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से हमें मिलाना है, ये मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ।
अंदाज से और हम मिलाते जाएंगे इसको। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना चम्मच से ज़्यादा मिलाने से बेहतर अपने हाथ को से मिलाना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि हमें इसको फेंटना है और हम जितना फेंटेंगे इसको उतना ही हमारा जो केक है फूलेगा फ्रेंड्स। तो हमें इसको अच्छे से हथेलियों के बीच में रख के गोल गोल करके एक डायरेक्शन में फेंटना है, इतना फेंटना है फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल बिस्किट जो क्रीम जो है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगी और हमारा टेक्सचर बिल्कुल वो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे फ्री फ्लो हो जाएगा। तो अभी हम एक डायरेक्शन में इसको देखिए इस तरह से हमें घुमाना है, यहाँ देखिए हम एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे इसको और साथ ही साथ हम इसमें दूध भी मिलाते जाएंगे। और इस समय हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा बैटर थोड़ा अभी मोटा है, मतलब फूला है और वो गिर नहीं रहा है ढंग से, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें और दूध डालेंगे। ये देखिए एक ही डायरेक्शन में मैं इसको ज़ोर ज़ोर से फेंट रही हूँ, ये देखिए दूध डालते जा रहे हैं और इसको हमको यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा हमें तो और मेहनत करनी पड़ेगी और हमें इसको फेंटना पड़ेगा अच्छे, जितना फेंटेंगे फ्रेंड्स बार बार मैं इस बात पे आपको जोर दे रही हूँ कि आप यहाँ पे जितना फेंटेंगे उतना आपका केक फूलेगा। ये देखिए ऐसे गोल गोल घुमाना है और सब तरफ से हमको इसको अंदर से पूरी केक निकाल के इसको फेंटना है अच्छे से। ये देखिए अब ये देखिए ये इतना क्रीमी हो गया, देखिए ये इस तरह से शाइनिंग आ जाएगी इसके ऊपर और बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा ये। तो अभी हमको दूध थोड़ा और ज़रूरत पड़ा है तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी के करीब दूध और लिया, तो आप समझिए यहाँ पे मैंने पूरा टोटल फेंटने में एक कप दूध यूज़ किया है। यहाँ पे हमने ये देखिए अच्छे से फेंट रहे हैं इसको और लिक्विड हम थोड़ा लिक्विड जैसा पेस्ट जैसा बना रहे हैं इसको, फ्री फ्लो बनाएंगे हम इसको बिल्कुल फेंटते फेंटते। ये देखिए देखिए अब ये इसमें शाइनिंग आ गई है हमारे बैटर में और ये पूरा जो है ये पतला सा होता जा रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। ये देखिए इस टाइप का हमें करना है, जैसे हम पकौड़ी का बेसन का पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उसका जो बेसन फेंटते हैं इसी तरह से हमें इसको फेंटना है, पर थोड़ा ज़्यादा। अब यहाँ पर भी मुझे देखिए एकदम से नहीं गिर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे और फेंटेंगे, अभी हम इसमें दूध और डालेंगे और इसको फेंटेंगे। ये देखिए ये हम देखिए कंटिन्यूस फेंट रहे हैं इसको और ये देखिए कितनी शाइनिंग आ गई। अब हमारा ये बिल्कुल फ्री फ्लो हो गया, यानी कि हमारा बैटर बिल्कुल इसका केक का तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से हम इसको फेंटते जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। मैं यहाँ पे आपको ये टिप्स दूंगी, अगर आप दूसरे किसी भी डायरेक्शन में फेंटेंगे तो आपका जो केक है वो बिल्कुल नहीं फूलेगा। तो हमें एक ही डायरेक्शन में हम इसको फेंटेंगे। ये देखिए अब मेरा बिल्कुल आसानी से गिर रहा है, हाथ में लेते से ही वो गिर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए कि हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फिट चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये मैंने इसको साइड में रख दिया है। अब ये हमारा जो जिस टिन है केक का जो टिन है जिसमें हमें केक बनानी है तो उसको हम क्या करेंगे अब ग्रीस करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है यहाँ पे ये मेरा ब्रश से मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ सब पूरी चारों कोनों में और बीच में अच्छे से आप ऑयलिंग कर लीजिएगा। अगर आपके पास केक टिन नहीं हो तो फ्रेंड्स कोई भी आप भगोना ले सकते हैं, चौड़े मुंह वाला जो वो भगोना होता है या फिर कोई टिफ़िन होता है डिब्बा होता है रोटी रखने वाला या जो भी हो आप ले लीजिए उसको और अच्छे से ग्रीसिंग कर लीजिए उसको सब तरफ से ताकि हमारी केक ना चिपके। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने सारी तरह से इसकी ऑयलिंग कर ली है, अच्छे से इसको ऑयल लगा दिया है। ये देखिए पूरे कॉर्नर्स में अच्छे से लगाइएगा फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी केक पकाएंगे ना तो चिपक जाएगी। अब फ्रेंड्स सेकंड अब हमको क्या करना है ये जो हमारा सूखा आटा है उसको हमको इसमें बुरक देना है। अगर आपके पास में बटर पेपर है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो यह आटे का जो है इसको ऐसा गोल गोल घुमाते हुए सब तरफ से आप इसको आटे को चिपका दीजिए। ये देखिए इस तरह से हम हिलाते हिलाते इसको सारे सारे भगोने में आटे को लगा देंगे।
इस तरह से। आप यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं हो फ्रेंड्स तो आप ये आटे को दीजिए, और जो एक्स्ट्रा आटा होता है फ्रेंड्स उसको हम झाड़ के अच्छे से निकाल लेंगे, अपने साइड में कर देंगे इसको। ये देखिए मैंने सब तरफ से कोटिंग आटे की कर दी है। अब हमारी केक जो है बिल्कुल नहीं यहाँ से चिपकेगी। अच्छे से ग्रीसिंग करिएगा फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद ये सूखा आटा इसमें लगा दीजिएगा, और इस तरह से सब तरफ लगा के आप इसको सूख जितना आटा बाकी बचता है उसमें वेस्ट है उसको आप अलग साइड में निकाल के रख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको झाड़ दिया है। ये हमने ये देखिए इस टाइप से ग्रीसिंग कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से हमको पूरा आटे की एक लेयर लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अच्छे से इसको झाड़िएगा, नहीं तो क्या होता केक में नीचे की तरफ आटे का जलने का भी डर रहता है। इतना आटा हमको ज़रूरत पड़ेगा कि हमारे जो हमने ग्रीसिंग की है उसमें वो चिपक जाए। अब ये देखिए ये बैटर को हम इसमें डाल देंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये देखिए इनो जो होता है फ्रेंड्स अपना, हाँ ये फ्रूट सॉल्ट होता है, ये एक चम्मच हमें लेना है। हम एक चम्मच फ्रूट सॉल्ट लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा हम इसमें, ये देखिए ये मैंने एक चम्मच फ्रूट सॉल्ट लिया है। ये देखिए इतना लेना है एक चम्मच के करीब। और अभी हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत जल्दी एक्टिविटी करनी है कि हमें जैसे ही हम ये फ्रूट सॉल्ट इसमें डालेंगे इसमें एक चम्मच फ्रेंड्स तुरंत ही पानी डाल देना है। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, और इसको फिर हमको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है 2-3 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा जो बैटर में ये जो सॉल्ट है इनो जो है वो अच्छे से मिल जाए। और इस समय भी प्रोसेस वही रहेगा फ्रेंड, बहुत तेज़ी से करना है और एक डायरेक्शन में ही फेंटना है। ये देखिए इस तरह से मैं चम्मच से फेंट रही हूँ, सारे कॉर्नर्स निकाल लीजिए और अच्छे से बाउल को घुमाते हुए आप इस तरह से फेंटिए। यहाँ भी फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में हमको फेंटना है, नहीं तो वो हमारी केक जो है ना वो दब जाएगी, क्योंकि हमने इनो डाला है तो जिस जहाँ पे इनो ज़्यादा पड़ा रहेगा फ्रेंड्स तो वहाँ पे से तो वो फूल जाएगी, और बाकी वो बाकी जगह पे वो पिचक जाएगी। ये देखिए अब ये मेरा हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं समझती हूँ कि थोड़ा और फेंट दें क्योंकि एक ही मिनट हुआ होगा अभी। और ये देखिए भाई केक खानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी थोड़ी, है ना फ्रेंड्स, और हम चाहते भी हैं कि अपनी फूली फूली केक बने। ये देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल सही बैटर बना है। ये देखिए ये देखिए है ना। अब ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए इसमें अब हमको डालना है केक को, कि जो केक टिन है इसमें मैं डाल दूँगी इसको। यहाँ पे मैंने भी भगोना यूज़ किया फ्रेंड्स, एक टिफ़िन है उसमें मैंने ये केक को डाला है, और ये अच्छे से हम इसको इसको टैप करना है, ओवरलैपिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हिला के और धीरे धीरे टैपिंग करेंगे तो आप क्या हो जाएगा वो सब तरफ से इक्वल आ जाएगी, उसका लेवल इक्वल हो जाएगा। ये देखिए हल्के हाथ से हमें सब तरफ मिलाते हुए टैपिंग करना है ताकि वो अच्छे से फैल जाए सब जगह। अब फ्रेंड देखिए ये मैंने एक कढ़ाई ली है, ये मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये कढ़ाई जो है ये केक बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ, जैसा कि उसकी शक्ल से ही आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल नमक डाल के मैंने इसमें रख दिया, आधा जो अपना ऑर्डिनरी नमक जो होता है वो आधा नमक मैंने इसमें डाल दिया, और यहाँ पर गैस को ऑन कर दूँगी मैं और फुल फ्लेम पर रखूँगी इसको।
ये देखिए इसके बीच में हमें क्या करना है, ये मेरा रिंग है, ये जो बर्तन जिसके ऊपर हम अपना खाना रखते हैं उसका टेबल पे, वो वाला मैंने यहाँ पे रखा है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको रखने के बाद जो हमारा टिन है फ्रेंड्स, वो टिन को हमको इसके ऊपर रख देना है। ये छन्नी रख दी मैंने, ये देखिए थोड़ा हमें ऊंचा करना है इसलिए फ्रेंड्स हम इसको रख रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है ताकि हमारे जो ये नमक है वो अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसके ऊपर मैंने ये अपना डिब्बा रख दिया, केक का टिन रख दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, ऊपर से ढक दूँगी फ्रेंड्स, और 5 मिनट के लिए मैं इसको काफ़ी तेज फुल फ्लेम पे, हम गैस की फुल फ्लेम पे इसको पकाएंगे ढक के। 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे, और 30 मिनट्स के लिए हम इसको पकाएंगे। और 20 मिनट्स में हम खोल के देखेंगे, टूथपिक की स्टिक है वो या आपके पास में कोई भी सिलाई जो बुनाई सिलाई करने वाली जो सिलाई होती है उसको डाल के आप देखिएगा, अगर वो नहीं चिपक रही है तो वो बन जाएगी, मतलब बन चुकी है आपकी केक। और अगर उसमें लग रही है टूथपिक में तो फ्रेंड्स आपको इसको थोड़ा 30 मिनट्स तक, मतलब टोटल 30 मिनट्स तक आपको उसको पकाना है, 10 मिनट और पकाना है। अब देखिए ये मैंने ढक दिया है और मैं इसको 5 मिनट के बाद मैं गैस को सिम कर दूंगी। अभी मैंने फुल कर दी है और 5 मिनट बाद मैं इसको सिम करके 30 मिनट्स पे पकाएंगे हम इसको, और 20 मिनट्स में फ्रेंड्स हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए ये मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। अब मेरे 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, और ये मेरा पक रहा है अभी। अब मेरे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, वो मैंने बर्तन जो ढका था वो अलग रख दिया है क्योंकि उसमें से फ्लेम निकल रही थी बाहर, हीट उसको अच्छे से नहीं लग रही थी केक को, इसलिए मैंने इसको या भगोने ने दूसरा चेंज कर लिया था। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो मैं डाल के देख रही हूँ, ये देखिए पूरे 30 मिनट्स हो चुके हैं मेरे, ये देखिए, और मेरी टूथपिक में बिल्कुल भी नहीं लग रही है और ये बिल्कुल फूल चुकी है देखिए फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसको उतार लूँगी, ये देखिए फ्रेंड्स ये बनी है मेरी केक, और अब मैं आपको इसको प्रेजेंट करके बताऊंगी। ये देखिए कितनी डिलीशियस और कितनी फूली हुई केक है, और ये जो छेद दिख रहे हैं फ्रेंड्स ये मेरा, मैंने 20 मिनट्स में पूरे डाल के देखा था कि अच्छे से पक चुकी नहीं, तो उसके छेद हैं फ्रेंड्स। अब ये मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पार्ले जी की बिस्किट की केक देखिए कितनी प्लफी और कितनी टेस्टी बनी है और कितनी डिलीशियस लग रही है, और चॉकलेट का कलर भी पूरा अपने अच्छा ही आया है ये देखिए। और देखिए मैं आपको बता रही हूँ, कहीं से भी ये बिल्कुल दबी हुई नहीं है और बिल्कुल बाजार की केक जैसी ही लग रही है। ये देखिए प्लफीनेस में शाइनिंग भी अच्छा वैसा ही आया है, और ये कितने कम समय में, मोस्ट प्रॉब्ली आधे घंटे में मैंने इसको आपको बना के दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी ये मेरी केक, आशा करती हूँ कि आप भी इसको अपने घर पर बनाएंगे इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया है, और फिर आप इसको टेस्ट करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स को, फैमिली के सभी मेंबर्स को आप लोग खाएंगे, और फिर मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए। ये तो मेरा हक बनता ही है कि आप मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसी लगी, और अगर फ्रेंड्स पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं केक के वो न्यू सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, वो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में जो बेल आएगी तो वो तो दबाना बनता ही है फ्रेंड्स आपको, अगर आपको ये मेरी केक अच्छी लगती हो तो। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगी और फिर आप ये अंदर से देखेंगे कि ये कितनी प्लफी और कितनी टेस्टी लग रही है। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब मैं बिल्कुल आपको काट कर दिखा रही हूँ इसको, ये देखिए कहीं से भी टूटी नहीं है फ्रेंड्स, और कहीं से भी वो इसका दचकी नहीं है। ये देखिए अब मैं यहाँ से काट रही हूँ देखिए, और इतनी स्पॉन्जी और इतने आराम से कट रही है फ्रेंड्स, बिल्कुल मक्खन वाली केक है, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये बिस्किट की केक है। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये देखिए कितनी स्पॉन्जी है, फैंसी है, अंदर से कितना टेक्सचर कितना अच्छा आया है इसका, अच्छे से फूल गई है ये, है ना। और प्लफीनेस में तो इतनी ज़्यादा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो पार्ले जी केक की, तो आप इसको ज़रूर ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। और आपको अगर अच्छी लगती है, टेस्ट में अच्छी लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइएगा, आप भी खाइएगा। ओके फ्रेंड्स, कमेंट्स करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।